हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? बहुत टाइम बाद दोबारा मैं वापस से अपने हेयर ओपन करके आई हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, इस साइड से लग रहे हैं जैसे मैंने कर्ली कर रखे हैं, बट नहीं, मैंने अभी तक कॉम्ब नहीं किए इसलिए ऐसे लग रहा है। आज मुझे अपने बालों पे लगाना है हेयर कलर। मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ, ये हिमालय का रेड कलर है इसमें, तो मैं मोस्टली रेड कलर यूज़ करती हूँ एंड गार्नियर ही यूज़ करती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं देन आप लॉरियल यूज़ करिए, अच्छा भी रहता है, बट क्योंकि मुझे अवेलेबल यही हुआ था तो फिर मैं यही लेकर आई हूँ। उन बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ले लेते हैं। और आप जा गए हैं, इसमें रहते हैं ये दो पाउचेस जिनको सेम अमाउंट इक्वल उसमें आता है, तो आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है एंड देन यूज़ करना है। मैं इनको मिक्स कर लूँगी एंड आज मेरे पास ग्लव्स नहीं है, मुझे हाथों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए हेयर कलर यूज़ करना पड़ेगा। और बाल थोड़े कलर हो जाएंगे ना तो थोड़े से अच्छे लगेंगे, क्योंकि बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे हैं तो अच्छे नहीं लगते। जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना तो फेस का पूरा लुक जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए चलिए यूज़ कर लेते हैं ये। तो चलिए बताती हूँ आपको इसका प्रोसेस। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉम्ब लेना है एंड आपके हेयर को कॉम्ब करना है इस तरीके से, और कॉम्ब करते वक्त आपके बाल जो हैं वो ऐसे ही जाएंगे, तो वो जाने देने हैं क्योंकि अपन उसका कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेरे बाल सच में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इसलिए। तो नहीं देखें बीच बीच मांग मांग में ना तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गए ना मेरे बाल, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलिए कलर कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्ब कर देती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपसे मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। तो गाइस हेयर कॉम्ब हो गए, अब अपन को क्या करना है, इस तरीके से मांग निकालनी है और जहाँ जहाँ मांग निकलती जाएंगी वहाँ वहाँ आपको हेयर अप्लाई कलर अप्लाई करते जाना है। तो इस कलर को आप थोड़ी देर वो कर देंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है डार्क। और ये जो पाउडर है ये मुझे गार्नियर के उसी से मिला था, एक बार आया था उसी में, मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा, इसी को रख देती हूँ एंड देन वापस इसी को यूज़ करती हूँ, जैसे कि मेरे बर्तन ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना इसके निशान नहीं जाते, इसलिए। तो बस इस तरीके से फिर आपको पूरे अच्छे से बालों में अप्लाई करना है, ध्यान रखना है सामने के बालों में स्पेशली अप्लाई करना है अच्छे से। सामने से मैंने अच्छे से कलर कर लिया है, बस मेरे को ना इस तरीके से हेयर को इस तरीके से लेने के बाद मैं यहाँ पे पीछे भी अच्छे से इस तरीके से कॉम्ब करना है, जैसे कि कभी भी मैं पौनी चोटी वगैरह करूँ तो मेरे पीछे से बाल जो हैं वो सफ़ेद दिखाई ना आते हैं। सुनिए ना, एक सेकेंड इधर आएंगे क्या? कलर हो गया है डन, और आज मैंने आप लोगों को बस ऐसे ही टेम्परेरी अपना हेयर कलर वो कर दिया था, लेकिन मेरे बाल जो है मैं अच्छे से हेयर कलर कर लेती हूँ, मेरे बाल जो है वो अच्छे से पूरा हेयर कलर पूरे पे कलर हो जाएगा। तो अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए पूरा ही कलर से इसका वो शूट कर दूंगी वीडियो। एंड ऐसे ना बाल थोड़े अजीब से लग रहे हैं एकदम चंपू चुप्पू टाइप के पूरा फे ऊपर को, बट इसके बाद भी मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि जस्ट मैं हेयर वॉश करने के बाद में बालों पर ऑयल अप्लाई कर लूंगी अच्छे से, जैसे कि जो क्योंकि मैं तुरंत शैम्पू नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही हेयर वॉश कर दूँगी सिंपल। तो उसके बाद फिर मैं कल नहीं वेडनेसडे को हेयर वॉश करूँगी, तो इसलिए तो अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लूँगी। और कल जाऊँगी जहाँ तक है तो थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो कल थ्रेडिंग बनवा कर आऊँगी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हो गया, पतिदेव डाल रहे हैं कूलर में पानी 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 पानी, एंड बीच में पता एक गाना आया था पानी वाली पानी प्यादे, है ना, कितना कितना चला था वो पानी वाली पानी प्यादे,
पहाड़ी वाली पानी, तो वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा आया था एंड काफ़ी टाइम तक चला था। इस टाइप के सॉन्ग जो हैं वो आई थिंक हरियाणवी होते हैं, तो वो बहुत लंबे टाइम तक ऐसे 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 चलते रहते हैं। और आज मैंने बहुत अपना टी शर्ट पहना है, मेरी बैटरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट शाम की बच गई है 5, और मैंने हेयर वॉश कर लिया है, साथ ही साथ पैंट भी चेंज कर ली है क्योंकि मैं थोड़ा हाफ पैंट पहनी हुई थी, तो मुझे अभी जाना है नीचे 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 चले, बस थोड़ा सा सर्व हो जाए। पाशा तो सो रहा है, 5 मिनट रुकते हैं जब तक जग ही जाएगा, है ना। और आज पवन मेरे सर में वापस आने के बाद डालेंगे ऑयल। मैंने तुम्हारे बोलने का पूछने की जरूरत होती है, हैं? चाय भी दी। हाँ। क्या होता? चाय भी डाल देंगे। चाय कौन बना रहा है? चंटूलाल, ये तुम्हारे भी तो बाल तो पेड़ हैं, तुमने क्यों लगाया? मैंने चोरी कर ली। ये तो चीखने से क्यों हो गए, बाल लगे हो गए जैसे तुम्हें 30 साल के लोग हो गए ना, बाल छोटे कर रहे हैं, बाल छोटे, लेकिन अभी अच्छे लग रहे हैं, बाद में कटा ये करवा लेंगे, ये अच्छे नहीं, हमने वहां पे जाके कटा देता, अभी अच्छे लग रहे हैं। हां ठीक है, देखो कैसे बाल सूखेंगे तो नहीं इतनी जल्दी, तो अभी ऐसे ही चली जाऊंगी, बस थोड़ा सा इनको कॉम कर लूंगी हल्का सा इसलिए। और मेरा सीरम जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब वहीं से देखूंगी इसे, क्योंकि यहाँ के लोग ना बड़े बुरे हैं, MRP पर रेट देते हैं, MRP पर चीज़ देंगे, हर चीज़ को बिल्कुल MRP पर देते हैं इसलिए। सो अभी तो चलते हैं नीचे, साइकिल चलाएंगे थोड़ी सी देर, एक ग्राउंड लगाएंगे। चलिए वासुदेव भी जग गए, उनके भी कपड़े चेंज करते हैं, उसकी टी शर्ट चेंज करते हैं, अच्छी नहीं लगती मुझे ये वाली, इसलिए तो उसकी टी शर्ट आ गए आ गए बाबा आ गए आ गए आ गए हाँ हटो क्या कर रहा है बनी, रुला रहे हो, चुप कर रहे हो, रुला रहे हो, देखो कितने गंदे लग रहे हो, चले बज रहे हैं 8:30 इसलिए 8:15 ही समथिंग हो गए। और मैंने रखे हैं एग बॉईल करने के लिए, तो अंडे बनेंगे। और पवन ने मेरे अभी तक बालों में तेल नहीं डाला, चाय बन गई और भी गई समझे, बिस्किट भी खप गए उससे। तुम बड़ी आजकल अपनी जुल्फे लहरा रहे हो। अब करो करो ना फिर से, फर्स्ट टाइम हुए ना तुम्हारे इतने बड़े बाल, तो आफ्टर मैरिज पवन के फर्स्ट टाइम इतने बड़े बाल हुए हैं। और पहले मुझे इनके बड़े बाल बहुत अच्छे लगते थे, और ये मुझे चिढ़ाने के लिए मैं बाल छोटे करूंगा ऐसे करते थे। मैंने एग बॉइल करने के लिए रखे हैं, और आज एग बॉयलर में नहीं रखे, ऐसे ही रखे हैं क्योंकि उसमें पूरा आधा घंटा ज़्यादा है, ऑलरेडी लेट है, खाना 8:30 बज ही चुके हैं, वैसे इसमें टाइम नहीं लगता लेकिन फिर भी, तो इसलिए बाबा रे बाबा फूटना नहीं, एक फूटेगा कोई नहीं। और मैं घड़ी से लगा के 10 मिनट के लिए बॉइल करने के लिए रखती हूँ, तो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद इनको निकाल दूंगी इसमें से। कौन सा कार्टून चलाऊं, ये भी तो कार्टून ही चल रहा है। पापा मम्मी नीचे, मम्मा नीचे सो, नीचे नीचे
कर दिया, बताओ कौन सा। वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एकदम, ऐसा लगता है ना पता नहीं बारिशें कब से स्टार्ट होंगी, वैसे अब तो होने ही वाली होंगी। अब क्या हो गया, आज 6 जून हो गया, बस स्टार्ट होने वाली होंगी। और कल मैं जाऊँगी थ्रेडिंग कराने के लिए, सो पार्लर जाने वाली हूँ कल मैं, और देखती हूँ हेयर कट कौन सा आइडिया लेती हूँ, इसलिए सो कल का वीलॉग आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसलिए सो देखिए कल मैं अगर वीलॉग शूट करती हूँ तो आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। इसलिए और आप लोगों का बहुत टाइम से हो भी रहा है ना कि पार्लर का वीलॉग, इसलिए सो कल एक वीलॉग ही हो जाएगा। एंड पवन ने अभी कोई सीरीज़ लगाई है, सो वो देखते हैं कैसी है। आज सब अच्छा नहीं है ना, आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कौन सी? अच्छा, देखे तो है, देखिए। सो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, से गुड नाइट। हाँ।